हे गाइस, कैसे हो आप सब? स्वागत है, वापस से हम लोग आ चुके हैं वीकली गेमिंग न्यूज पार्ट टू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग घर भर के गेम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने वाले। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का इंडियन गेम्स जिसका नाम है UGW। जी हाँ, बहुत दिनों का वेटिंग के बाद फाइनली UGW का एक छोटा सा टीजर लॉन्च हुआ है। तो पहले ये टीजर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो आई होप आपने ये छोटा सा टीजर देख लिया होगा। तो कल शाम को 7:30 के आसपास ये टीजर को लॉन्च किया गया हॉटस्पॉट रिवील, और बहुत ही जल्दी इसका पूरा मैप रिवील होने वाला है। तो आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं? ये भी गेम 2023 में आने वाला है। तो लिटरली मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, देखते ये गेम क्या हम लोग को प्रोवाइड करता है। और मुझे लगता है बहुत लोगों के इसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि एक्सपेक्टेड टाइम से ज्यादा टाइम ये लोग ले रहे लॉन्च करने में। बट हम लोग चाहते हैं कि टाइम ले लो बट बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकाल के दो, तो वही हम लोग फिंगर क्रॉस करके रखते हैं। और फाइनली इसका छोटा सा टीजर लॉन्च हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं PUBG Mobile के अंदर। तो PUBG Mobile बीट ड्रॉप के साथ बहुत ही जल्दी अपना ओरिजिनल सॉन्ग्स जो है वो लॉन्च करने वाला है। तो आपको पता है PUBG Mobile के अंदर बहुत सारा आपको म्यूजिक सुनाई देता है, तो PUBG Mobile का खुद का ओरिजिनल आपको म्यूजिक भी देखने को मिल सकता है। इधर लिखा हुआ कमिंग सून लाइव फ्रॉम द ड्रॉप PUBG Mobile म्यूजिक लेवल। PUBG Mobile का खुद का म्यूजिक लेवल होगा, होपफुली ये नेक्स्ट लेवल होना चाहिए। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दिया। अब हम लोग म्यूजिक का बात करें, सुपर सेल भी कोई भी पीछे नहीं है। सुपर सेल जस्ट अपना क्लैश रॉयल एंड क्लैश क्रिसमस एक्सक्लूसिव हॉलिडे म्यूजिक रिलीज किया, जो कि 40 मिनट का है। ये म्यूजिक को लगा के आप अपना जो काम है वो स्मूथली कर सकते हो, क्योंकि एकदम रिलैक्सिंग वॉइस है। रात को सोने के पहले भी ये म्यूजिक लगा सकते हो, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। कल मैं ये म्यूजिक को दो दो बार सुना 40-40 मिनट का, इतना बोल सकते हो माइंड फ्रेशनिंग म्यूजिक है। डेफिनेटली आप इसको सुन सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि क्लैश रॉयल एंड क्लैश ऑफ क्लैंस से मिक्स करके बनाया गया। और जो जो ये दोनों गेम में से कोई भी गेम खेलते उन लोग तो बहुत अच्छे रिलेट करने वाले। और इवेंट COC का अंदर क्रिसमस थीम सिनेरी ऐड हो चुका है, उसके साथ साथ क्रिसमस एक्सक्लूसिव मिशंस बोल सकते हो ऐड हो चुका है। तो अगर आप खेलते हो तो डेफिनेटली उसमें खेलिएगा, और मिशन का रिवॉर्ड्स डेफिनेटली कलेक्ट करना मत भूलिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट गेम में, वो है BGMI। जी हाँ, BGMI का भी कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास आ चुका है। तो गाइज, आपको पता है BGMI का जो अनसर्टेनिटी है, कोई भी ऑफिशियल की तरफ से इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा। इसके चलते जो एक ऑर्गेनाइजेशन है सिंगापुर बेस्ड स्काईलाइट, वो अपना जो सर्विस है BGMI का वो इंडिया में स्टॉप कर रहे। कुछ दिन पहले सोमराज, आपको पता है, जो BGIS सीजन 1 का विनर थे स्काईलाइट, तो उनके तरफ से ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि वो लोग अभी स्काईलाइट का और पार्ट नहीं है। वो लोग अपना सर्विस जो है BGMI के अंदर वो स्टॉप कर रहे स्काईलाइट। इसके चलते वो लोग अभी ओपन प्लेयर बन चुके हैं। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। ऐसे अगर कंटिन्यूसली चलते रहा, कोई भी इंफॉर्मेशन ऑफिसर की तरफ से नहीं आता ऑर्गेनाइजेशन को, मुझे नहीं लगता बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन फ्री में प्लेयर को पैसा तो देगा नहीं, क्योंकि इसका गेम का कुछ अता पता नहीं है। तो भाई, जब तक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्लेयर है तो उसको आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में पैसा देना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको बहुत सारा और भी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल सकता है आगे जाके, अगर BGMI का कुछ भी न्यूज़ नहीं आता कुछ महीनों के अंदर, ठीक है। तो ये एक BGMI की तरफ से एक बोल सकता सैड न्यूज़ था, बट ये रियलिटी है। और आप जब देख रहे हो कि ऑर्गेनाइजेशन लोगों को पता नहीं है कि गेम कब आएगा, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप नॉर्मल यूट्यूबर लोग को पता होगा कि गेम कब लॉन्च होने वाला है। खैर, आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद अभी आप लोग आते हैं नेक्स्ट गेम में, वो Apex Mobile। तो Apex Mobile ने दो अवार्ड जीता है, सबसे पहले एक बेस्ट गेम प्ले स्टोर के अंदर, और उसके साथ साथ यूजर चॉइस। तो आपको पता है हर एक साल बोल सकते हो नॉमिनेट किया जाता है प्ले स्टोर के अंदर, बहुत सारा जो गेम्स लॉन्च किया जाता है उसमें नॉमिनेट होता है, और जो ज़्यादा वोटेड गेम होता है उसी को बोल सकते हो ये कुछ ट्रॉफीज मिलता है अलग अलग कैटेगरीज में, जिसमें से Apex दो में जीता है। यूजर चॉइस बेस्ट गेम में इनको अवार्ड मिल चुका है प्ले स्टोर का। तो अभी हम लोग आते हैं आज का आखिरी गेम के ऊपर, हुआ COD मोबाइल वॉरजोन। तो COD मोबाइल वॉरजोन वाले ने बहुत सारा ट्वीट किया, ऑफिशियल ट्वीट, जिसमें वो लोग बोल रहे हैं कि जो डिवाइसेस में अभी गेम्स नहीं चल रहा, इसका मतलब नहीं है कि फ्यूचर में जब हम लोग और भी बोल सकते लिमिटेड लॉन्च करेंगे तो उसमें सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे जैसे हम लोग बोल सकते लिमिटेड लॉन्च करेंगे तो हम लोग और भी डिवाइसेस को सपोर्ट करते जाएंगे, खासकर एंड्रॉयड डिवाइसेस में। तो वो लोग बोल रहे हैं कि डेफिनेटली जब भी हम लोग का ऑफिशियल लॉन्च होते रहेगा कंटिन्यूसली, तो आप
बोल सकते हो, ट्राई आउट कर सकते हो, क्योंकि हम लोग हर एक रिलीज के साथ हम लोग बहुत सारा और भी डिवाइस को सपोर्ट करते जाएंगे और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज आपको देखने को मिलेगा। इधर आप देख पा रहे कुछ और चीज़ों के बारे में बताया गया, जैसे लिखा हुआ हेयर दैट्स लाइकली बिकॉज वी अपडेटेड एंड्रॉयड मिनिमम स्पेसिफिकेशन लास्ट वीक इंक्रीज द रैम रिक्वायर्ड टू 6 GB। तो ये लोग जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 6 GB में कर दिया गया। वी डिड दैट टू ट्राई टू प्रिवेंट crashing and other issue on 3 GB and 4 GB devices. We will likely adjust those requirement after additional update. तो ये जैसा जैसा अपडेट आएगा ना, इसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, उस हिसाब से आपको ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेगा जैसे जैसे गेम आगे प्रोग्रेस करेगा और भी कंट्री में बोल सकते हो इसका लिमिटेड लॉन्च होगा। तो ये लोग कहना ही है कि 2023 तक जब तक हम लोग का ऑफिशियल लॉन्च होने वाला COD Warzone का, तब तक हम लोग बहुत सकते फुल्ली ऑप्टिमाइज कर देंगे बहुत सारे डिवाइसेस में, और आप बहुत सारे डिवाइसेस में इसको वेल प्रिपेयर्ड गेम मान सकते हो। ठीक है, तो ये आप देख पाओगे, मैं आपको कुछ ट्वीट दिखा दे रहा हूँ जो कि COD Warzone की तरफ से किया गया, और होपफुली आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। ठीक है, तो आज के वीकली गेमिंग न्यूज़ में इतना ही था, होपफुली आपको बहुत सारा गेम्स के बारे में पता चल गया होगा। चलो मेरा काम इतना ही था, थैंक यू सो मच गाइज, एंड हैव अ नेक्स्ट डे, टेक केयर, बाय बाय।